Hey all, welcome back to my channel. मैं हूँ खुशी. आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ घर पे हम आईब्रो कैसे कर सकते हैं. बिकॉज ये लॉकडाउन के पीरियड में हमारे आईब्रो ऐसे जंगल हो गए हैं ना कि हम ना बाहर जा सकते हैं. बाहर तो नहीं जा सकते बट फिर भी यार बहुत अजीब फील हो रहा है, बहुत अजीब लग रहा है. कहाँ कहाँ से आईब्रो बढ़ रही है हमारी. और जो कि हम और जिन्हें ऐसी आदत थी कि एवरी 10 डेज एवरी 15 डेज में हम जो आईब्रो करवाते थे, अब वो तो यार ऐसी हालत हो चुकी है ना. मेरे तो यहाँ के मिडल वाले बाल भी मतलब उगने लग गए हैं, जो मैं कभी रखती ही नहीं थी वो भी मेरे आने स्टार्ट हो गए थे. सो आज मैं आपको बहुत ही इजी वे जो आप घर पे आईब्रो कर सकते हो, बहुत आसान तरीका है, आपको मैं पूरा डिटेल के साथ बताऊंगी. पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना, तो आपको समझ में आएगा कैसे आईब्रो करते हैं हम घर पे, ठीक है. और उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए जो कि आपके घर पे आपको मिल जाएगा बहुत ही आसानी. तो मैंने कल ही मेरा आईब्रो किया है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से किया है. और उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको क्या करना है, अगर प्लकर है आपके पास तो आपको प्लकर लेना है, ठीक है. थ्रेड लेना है, मेरे पास आईब्रो का थ्रेड था तो मैंने ये यूज़ किया. अदरवाइज अगर आपके पास आईब्रो का थ्रेड नहीं है तो इट्स ओके. आप जो हम जो सिलाई करते हैं वो तो हर एक के घर पे वो वाला थ्रेड रहेगा, तो आपको सिलाई वाला धागा लेना है, आप सिलाई वाला धागा भी ले सकते हो. आपको लेना है सीजर, ठीक है, और सीजर ज़्यादा बड़ा नहीं, नॉर्मल छोटा, इससे भी छोटा चलेगा, ठीक है. सीजर लेना है और एक लेना है ब्रश, ऐसे टाइप में. जो ब्रश तो हर एक लड़की के पास रहेगा, ऐसा नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ऐसे टाइप में, बट जो हम मेकअप भी करते हैं ना, मेकअप के अंदर भी एक ब्रश रहता है जो हम आईब्रो के लिए रहता है वो ब्रश. तो आपको क्या करना है, ब्रश लेना है और ब्रश को आपको ऐसे एक्स्ट्रा, तो आपका जो एक्स्ट्रा बाल रहता है उसको आपको ऐसे करके आपको ऊपर लेना है, ओके. आप ऐसे करके आपको ऊपर लेना है और फिर जो एक्स्ट्रा बाल आएगा, ठीक है, मेरे तो एक्स्ट्राज मैंने ऑलरेडी मैंने कट कर चुकी हूँ कल, तो मैं आपको बताऊंगी. मैंने वो पूरा वीडियो इसमें मैं अपलोड करने वाली हूँ कि मैंने आईब्रो कैसे किया है घर पे, तो आप देख लेना और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा. तो आपको क्या करना है, ब्रश को, ब्रश से पहले, ब्रश के हेल्प से पहले एक्स्ट्रा बाल निकालने हैं ऐसे, ओके. जो एक्स्ट्रा बाल आएंगे ये वाला पार्ट, इतना पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट, ओके, इसके आगे नहीं, सिर्फ इतना पार्ट आपको ऐसे एक्स्ट्रा बाल निकालने हैं. और फिर जैसे एक्स्ट्रा बाल ऊपर आते हैं उसको आपको ऐसे कट करना है, ओके. और उससे पहले आपको क्या करना है, एक पेंसिल लेना है, आईब्रो पेंसिल आपको लेनी है. आईब्रो पेंसिल लेने के बाद आपको शेप करना है, मतलब जो आपका आईब्रो का जो शेप है उसको आपको एक अच्छे, फिर हमें क्या करना है, जो भी एक्स्ट्रा हेयर है प्लकर लेना है, प्लकर से हमें एक्स्ट्रा हेयर रिमूव करना है. तो मतलब जो लाइन आपने की है वो लाइन तक ही, लाइन का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वही आपको प्लकर से रिमूव करना है, ठीक है. तो ये बेस्ट तरीका है आईब्रो करने का खुद से घर पे. बस ये देखना कि जहां पे लाइन है उसके बाहर ही आप करो, उसके अंदर मत जाना, सिर्फ लाइन उसके बाहर बस. तो ऐसे मैं करती हूँ आईब्रो घर पे. तो पहले हम क्या करेंगे, आईब्रो को शेप करेंगे आईब्रो पेंसिल से, ठीक है. तो एक लाइन करेंगे अच्छे से आईब्रो पेंसिल, आईब्रो पेंसिल से पहले हम शेप कर लेंगे उसको लाइन करके कि हमारा आईब्रो का क्या शेप है, ताकि आपको भी पता चले कि कैसे करना है, ठीक है. अब मैंने इसको शेप कर दिया है. शेप करने के बाद उसकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम रिमूव करेंगे. शेप करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, हम एक्स्ट्रा बाल जो रहता है उसे ऐसे ऊपर करेंगे और फिर उसे कट करेंगे. ठीक है, तो सिर्फ यहाँ का जो रहता है उसे सिर्फ कट करना है, उसके आगे वालों को नहीं, सिर्फ यहाँ का जो ऊपर जो बाल आता है.
जो आपका आईब्रो का जो शेप रहता है उसको आपको शेप देना है, ठीक है। तो आप पहले आईब्रो को शेप दे दो अच्छे से। आईब्रो को शेप देने के बाद जो एक्स्ट्रा बाल है उसको आपको कट करना है ब्रश से ऐसे करके, और फिर आपको क्या करना है, थ्रेड लेना है। अदरवाइज थ्रेड से अगर आपको नहीं जम रहा तो प्लकर लो, प्लकर से बहुत पेन होता है। तो अगर आपको प्लकर जमता है तो इट्स ओके, आप प्लकर से भी कर सकते हो। तो आप ऑलरेडी आप लाइन कर चुके हो, ठीक है, ऑलरेडी आप मार्क कर चुके हो आईब्रो पे, तो जो एक्स्ट्रा बाल है उसको आपको प्लकर से रिमूव करना है, ठीक है। या फिर आपको क्या करना है, थ्रेड लेना है। अब मैं थ्रेड से आपको कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी। आपको थ्रेड लेना है, ठीक है, कट किया, फिर उसे एक नॉट बांधो एंड पे, ऐसे, और एक राउंड शेप में बन जाएगा ये, ओके। ये एक ऐसे राउंड शेप में बन, राउंड शेप में हो गया ये। अब उसके बाद आपको ऐसे राउंड करना है, ट्विस्ट करना है इसे। आपको इसे 15-20 टाइम ट्विस्ट करना है, ओके। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो 15 टाइम आपको इसको ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद ये ऐसे टाइप में हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ओके। तो आप इजीली आईब्रो कर सकते हो इससे। अब ऐसे करने के बाद आपको क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड है उसे ही यूज करना है, राइट हैंड को आपको यूज नहीं करना है। राइट हैंड को आपको ऐसे ही रखना है, बट जो लेफ्ट हैंड है उसको आपको ऐसे यूज करना है, ऐसे करने में यूज करना है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, ऐसे रखना है और लेफ्ट हैंड से ऐसे, आपको अभी दिखता नहीं रहेगा कैमरे में, बट ऐसे आपको करना है। आपको क्या करना है, ऐसे रखना है धागा और फिर ऐसे लेफ्ट हैंड से आपको चलाना। तो अब मैं आपको ऐसे ही आईब्रो इससे करना है, ओके। और यहाँ का मिडल का आपको ऐसे रख के करना है, ठीक है। और यहाँ का, बहुत से लोगों को यहाँ की प्रॉब्लम है कि यहाँ का कैसा करना है, तो यहाँ पे भी आप ये धागे से ही कर सकते हो इजीली। मैं कल कर चुकी हूँ, ठीक है। तो ऐसे आपको आईब्रो आप घर पे बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत इजी वे है। 2-3 बार करोगे आपको भी बहुत इजी लगेगा, ठीक है। एक्चुअली मैं भी कोई सीखी नहीं हूँ ये सब चीज़ें, बट आती है। हम 2-3 बार अगर हम खुद से करने लगेंगे तो ये बहुत आसान है हर किसी के लिए। बोलते हैं ना, ट्राई ट्राई टिल वी सक्सेस, तो बस वैसा ही है। तो ठीक है, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक करना, शेयर करना आपकी फ्रेंड्स लोगों से, फैमिली, जो भी आपका फ्रेंड फैमिली जो ग्रुप है वहाँ पे शेयर कीजिए, ताकि उनको भी हेल्प हो आईब्रो कैसे करते हैं घर पे। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। मैं इंस्टाग्राम का आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं डाल दूँगी, तो आप प्लीज़ जाके चेक कर दीजिएगा। और बस ऐसे ही अच्छे रहो, घर पे रहो, सेफ रहो, ध्यान रखो अपना, एंड टेक केयर। सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जो भी मेरे न्यू वीडियोस अपलोड हो, मैं जो भी न्यू वीडियोस डालूंगी, अपलोड करूंगी, तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, ओके। सो देन टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।